दोस्तों आज बात करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अभी रिसेंटली उनका और शहनाज गिल का एक गाना मतलब कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं जो कि लॉन्च होने वाली हैं। सो पहले आप ये फ़ोटोज़ देखिए। इन फ़ोटोज़ में क्लियरली ये दिख रहा है कि ये किसी वीडियो सॉन्ग का मतलब फ़ोटोज़ है और सीरियस सॉन्ग नहीं होगा, क्लियरली यहाँ लग रहा है देखने से। तो ऑडियंस को काफ़ी मतलब इसकी चाह है कि ये जल्दी गाना आए और लोग देख पाएँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला जो है बिग बॉस के विनर रह चुके हैं और इनको ये फेमस हुए थे बालिका वधू सीरियल से, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद ये बहुत फेमस हुए और बिग बॉस जीत भी गए थे। और वहीं पे सिद्धार्थ और शहनाज की जो केमिस्ट्री थी बहुत अच्छी हुई थी, लोग कहते थे कि वो दूसरों डेट भी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितना ही सच है कि नहीं। बट ये है कि वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो इसी के लिए जब वो बिग बॉस से बाहर निकले तो कई सारे उनके वीडियो सॉन्ग्स भी आए और ये वाला वीडियो सॉन्ग जो है अब आने वाला है। तो ऑडियंस को है कि मतलब सिद्धार्थ जाने के बाद भी उनका एक गाना आ रहा है तो उनके मन में है कि ये गाना मतलब बहुत अच्छा है, हिट हो जाए तो ये सबकी चाह होगी। मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ भरोसा नहीं होता। अब देखिए कोई मतलब सोता है, जैसे सिद्धार्थ आज सोए हैं और कल उठ नहीं पाए हैं, सो ऐसा ही हम सबके साथ भी है। अगर हमें भी नहीं पता कि हम अभी हैं कल होंगे कि नहीं होंगे, तो मेरे को वैसे था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं ऐसे व्यूज़ नहीं चाहता कि मतलब डेथ हो ऐसे पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए था। बट अभी मैंने जस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा कि इनका नया सॉन्ग आ रहा है और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को इनके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए कि जब भी ये सॉन्ग आता है तो आप लोग इस सॉन्ग को देखें, लाइक करें। मुझे इस वाले वीडियोज़ पे कोई लाइक नहीं चाहिए, इस वीडियो पे आप लाइक करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन जब ये सॉन्ग आएगा तो इस सॉन्ग को आप लाइक करना, देखना, कॉमेंट करना, क्योंकि ये हो सकता है सिद्धार्थ का मतलब लास्ट सॉन्ग होगा। और आपने उनको देखा ही होगा बिग बॉस में, मतलब सबसे अलग कंटेस्टेंट थे वो, मतलब बाकी कंटेस्टेंट से बिल्कुल अलग। वो सीज़न जो है मैंने पूरा देखा था, काफ़ी मतलब अच्छा था और बेसिकली उस शो के जान थे वो थे सिद्धार्थ शुक्ला ही। सो अब वो नहीं रहे, अगर वो पक्की बात है अगर वो रहते हमारे बीच तो काफ़ी आगे बढ़ते। फिल्मों में उनकी एंट्री हो चुकी थी, उनको मतलब कुछ मूवी में देखा गया था और हो सकता है कि वो आगे जाके लीड रोल भी उनको मिलता। तो कई एक्टर्स ने बोला भी कि मूवीज़ का जो एक फ्यूचर स्टार था वो मतलब चला गया। अब ये नहीं पता कि फ्यूचर स्टार वो बनते कि नहीं बनते, लेकिन हाँ एक अच्छे एक्टर मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी को खो दिया बॉलीवुड ने। सो ये मतलब तो है। सो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो पर मैं कोई नहीं बोलूँगा कि आपको लाइक करना है, कॉमेंट करना है, यहाँ तक कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई बात नहीं। बट हो सकता है कि मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए सिद्धार्थ के ऊपर, व्यूज़ के लिए नहीं, मेरा मन किया बनाने का तो मैंने इसलिए वीडियो बना दी। बस यही कहना है मेरे को, और जहाँ भी सिद्धार्थ हो फोन के आत्मा को शांति दें और खूब खुश रहें जहाँ भी हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।